नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत दिवांगन आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ नया टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले सारे क्लासेस में हम लोग MCQ के माध्यम से हर एक टॉपिक को ब्रीफली जाकर देखे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रीलिम्स के दृष्टि से। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि रहेगा राजकोषीय नीतियों से संबंधित। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जब मौद्रिक नीति पढ़ाया था, तो आप लोगों को ये चीज समझाया था मैं कि नीतियों का तात्पर्य क्या होता है। नीतियां मतलब किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपनाए गए जो तौर तरीके होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नीतियां। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि राजकोषीय नीति के तहत भारत सरकार जो है कौन कौन से उपकरणों के माध्यम से क्या क्या काम जो है करती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें या मेंस की दृष्टि से देखें। तो चलिए, आज की विषय सूची सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो आज की विषय सूची सबसे पहले इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि राजकोषीय नीतियां होती क्या है। ठीक है, तो ये राजकोषीय नीतियां होती क्या है, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका क्रियान्वयन कौन करता है और राजकोषीय प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कमिट किया था कि इस टॉप MCQ सीरीज के माध्यम से पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर किया जाएगा, तो जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो क्या है, राजकोषीय नीति को डेडिकेटेड। तो दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके अर्थ को समझना क्या होता है, जरूरी होता है। और अर्थ समझने के लिए सबसे पहले उसके हेडिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जैसे राजकोषीय नीति, ये दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है, राजा और कोष। ठीक है ना, राजा वर्तमान में अगर देखा जाए तो देश के राजा कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने कैबिनेट के माध्यम से पूरे देश की दिशा नीति को निर्धारित करते हैं कि देश कैसे चलेगा, कौन सी योजनाएं आएंगी, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो कहने का मतलब एक ऐसी नीति जो सीधी सी बात है, इस राजा के कोष, कहने का मतलब भारत की संचित निधि पर सीधा इम्पैक्ट डाले, कहने का मतलब सरकारी खजाने पर जो सीधा प्रभाव डाले, ऐसी नीतियों को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, राजकोषीय नीति। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, राजा के कोष पर जो सीधा प्रभाव डाल रहा है, ऐसी नीतियों को हम लोग क्या बोलेंगे, राजकोषीय नीति। इस नीति के सहारे हम लोग ये देखेंगे कि राजा की आय जो है क्या बढ़ेगी। ठीक है ना, राजा कौन कौन से क्षेत्र पर कितना व्यय करेगा, तो व्यय बढ़ेगा कि कम होगा, और यदि राजा की आय कम है और खर्च ज्यादा है, तो अपने अपने देशवासियों के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए वो ऋण की व्यवस्था कैसे करता है। तो कहने का मतलब एक ऐसी नीति जो सरकार के आय पर, सरकार के व्यय पर और ऋण नीति पर जो सीधी सी बात है प्रभाव डाले, ऐसी नीतियों का हम लोग क्या कहने वाले हैं दोस्तों, राजकोषीय नीति। ठीक बात है, तो राजकोषीय नीति मतलब एक पर्टिकुलर, नीति शब्द का अर्थ ही क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपनाए गए तरीके। और अर्थव्यवस्था का गोल क्या है दोस्तों, कि भैया मार्केट बैलेंस रहे, मार्केट का जो कंडीशन है वो हेल्दी रहे। ठीक है ना, और हेल्दी रहने से क्या होगा, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा, जैसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और वो गरीबी से क्या होते जाएंगे दोस्तों, दूर होते जाएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस नीति का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो सेम है। चलिए पहले प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, राजकोषीय नीति या फिर जिसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। ध्यान में रखिएगा, तो जैसे कि मैंने क्या बताया था आप लोगों को, राजा का कोष, या तो आय बढ़ेगा या तो व्यय बढ़ेगा, और यदि आय कम है और व्यय ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब राजकोषीय नीति के यदि भाग की बात करूं मैं, तो सबसे पहले सार्वजनिक आय नीति इसके अंतर्गत में आते हैं। फिर जो दूसरा चीज होता है वो सार्वजनिक व्यय इसके अंतर्गत में आते हैं,
और ध्यान में रखिएगा, यदि आय कम हो और व्यय ज्यादा हो तो सरकार को क्या लेने की जरूरत पड़ेगी, ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। तो सार्वजनिक ऋण नीति, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखिएगा क्या निकाला जाता है, बजट, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा पब्लिक इनकम पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और पब्लिक डेप्ट पॉलिसी, और अल्टीमेटली लास्ट में इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्धारण किया जाएगा। तो यदि सार्वजनिक, ठीक है, आय की बात करें, सार्वजनिक व्यय की बात करें, सार्वजनिक ऋण की बात करें या बजट की बात करें, ये सभी जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत में गिने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा निम्नलिखित में से क्या जो है राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा सार्वजनिक आय इसके अंतर्गत में आते हैं, सार्वजनिक व्यय इसके अंतर्गत में आते हैं, सार्वजनिक ऋण इसके अंतर्गत में आते हैं, जबकि ध्यान में रखिएगा दोस्तों साख की राशनिंग जो है वो इसके अंतर्गत में नहीं आती। मैंने बताया था आप लोगों को ये जो है आरबीआई के क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत में आते हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के अंतर्गत में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ये सार्वजनिक आय होता क्या है, ठीक है, सार्वजनिक आय होता क्या है और सार्वजनिक आय नीति से क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि भैया किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अपनाए गए जो तौर तरीके होते हैं वो क्या कहलाती है, नीति। तो यहां पर ये दो अलग अलग शब्द है, सार्वजनिक आय और नीति। तो सबसे पहले सार्वजनिक आय को समझते हैं, उसके बाद सार्वजनिक आय नीति शब्द को हम लोग डिफाइन करें। तो ध्यान में रखना मैंने क्या बोला था, अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज का मापन करना है तो एक वित्तीय वर्ष शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या एक फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात करते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को, सरकार को अपने समस्त, सरकार को अपने समस्त स्रोतों, स्रोतों से प्राप्त आय जो है, और ध्यान में रखिएगा दोस्तों सार्वजनिक आय कहलाती है, मतलब सरकार को अपने सारे स्रोतों से, चाहे वो टैक्स के माध्यम से है, ठीक है, चाहे अपने खुद के कंपनियों के लाभ या लाभांश से है, चाहे विदेशों के द्वारा दिया गया अनुदान से है, किसी भी माध्यम से जो सरकार को एक वित्तीय वर्ष में आय प्राप्त हो रही है उसे हम लोग बोलेंगे सार्वजनिक आय, ठीक है। तो देखो देश में यदि विकासात्मक कार्य करवाने हैं तो सार्वजनिक आय क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, यदि पैसा ज्यादा रहेगा तो हम लोग योजनाओं में ज्यादा जो है खर्च कर पाएंगे और जिससे ज्यादातर लोगों का जो विकास है वो हो पाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सार्वजनिक आय का क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन सार्वजनिक आय नीति, नीतियों का निर्धारण खासकर जो है वो गरीब वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सार्वजनिक आय की नीति की क्या विशेषता होनी चाहिए कि कम से कम गरीब जनता या मध्यम वर्गीय परिवार पर करों का बोझ बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि यदि मान लो कि सार्वजनिक आय मतलब सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए यदि करों का बोझ जो है या टैक्स जो है वो ज्यादा लगाएगा, तो टैक्स ज्यादा लगाने के कारण जो है गरीब जो जनता है उनको कोई भी वस्तु, या मध्यम वर्गीय परिवार है उनको कोई भी वस्तु जो है ऊंचे दाम में मिलेगी और वो उन वस्तुओं को खरीदना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। कहने का मतलब सार्वजनिक आय नीति से तात्पर्य यह है कि कम से कम लोगों पर, ठीक है ना, करों का बोझ बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा सरकार के आय प्राप्त या आय सृजन करने की जो तरीके होते हैं, नीतियां होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक आय नीति। तो इसके लिए काफी सारे उपाय जो हैं वो किए गए हैं, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तमान में क्या क्या ऐसे, ठीक है ना, काम है जो सरकार करके रखी है जिससे गरीब जनता या मध्यम वर्गीय परिवार पर करों का बोझ कम पड़ता है, ठीक बात है, और सरकार की इनकम भी क्या होते जाती है दोस्तों, बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है सार्वजनिक आय किसको बोले, एक वित्तीय वर्ष में सरकार को अपने समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, सार्वजनिक आय। ध्यान में रखिएगा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ध्यान में रखिएगा एक जो है राजस्व आय, या जिसको ध्यान में रखिएगा बोला जाता है रेवेन्यू
रिसीप्ट, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिसीप्ट। दूसरा बोला जाता है पूंजीगत आय, या जिसको बोला जाता है कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट या राजस्व आय किसको बोलेंगे, ये सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उन स्रोतों से अर्जित आय होती है जिसमें कोई देनदारियां सृजित नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब यदि इसको और हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करें, तो सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित वो आय जिसको भविष्य में लौटाना ना पड़े। ठीक है ना, कहने का मतलब एक बार सरकार के खाते में वो पैसा आ गया तो सरकार जो है वो आप तक वापस से उस पैसे को नहीं पहुंचाने वाली, या वापस से आपको रिटर्न नहीं करेगी। ठीक बात है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब उन स्रोतों से प्राप्त आय, जैसे भविष्य में, ठीक है, कोई भी देनदारियां सृजित नहीं होती, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा, उस वस्तु पर जीएसटी पटाया, ठीक है, तो आपके घर में तो आता नहीं है सरकार के भैया जरूरत से ज्यादा आपने जीएसटी दे दिया है तो भैया ले जाओ चलो ऐसे करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना वस्तु खरीदेंगे, जितनी सेवाएं का उपभोग करेंगे, उतना ज्यादा आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं, तो कहने का मतलब वो वस्तु को खरीदे, वो वस्तु के माध्यम से जो टैक्स का पैसा है वो सीधा किसके पास में गया, सरकार के पास में गया, लेकिन सरकार उसको भविष्य में आपको लौटा नहीं रहा है। ऐसी आय को हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व आय। तो ध्यान में रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में उन स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें कोई भी देनदारियां सृजित नहीं होती, या कहने का मतलब जिसे भविष्य में लौटाया नहीं जाता, ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व आय। जबकि पूंजीगत आय सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित उन स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें देनदारियां सृजित होती है या फिर सरकार अपनी संपत्ति बेचकर प्राप्त करती है। अभी ध्यान में रखिएगा, जैसे सपोज करो, मैंने क्या बोला यहां पर कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित उन स्रोतों से प्राप्त है जिसमें देनदारियां सृजित होती है, ठीक है, या फिर सरकार अपनी संपत्ति बेचकर उस पैसे को प्राप्त करती है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली एक प्रकार से ये क्या है, घाटा। जैसे सपोज करो सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार जो है वर्ल्ड बैंक गया, वहां से वो उधार लेकर आया, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के पास में गया, वहां से वो 100 करोड़ रुपया उधार लेकर आया, क्योंकि उसको रेल का पटरिया बिछाना था या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना था। तो वर्तमान में हम लोग क्या देखेंगे, जिस वित्तीय वर्ष में वो पैसा लेकर आया उसको सरकार के आय में हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस पैसे को हम लोग भविष्य में क्या करेंगे, ब्याज के साथ में चुकाएंगे। ब्याज के साथ में हम लोग क्या करेंगे, चुकाएंगे। कहने का मतलब इस पैसे को भविष्य में हमें वापस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, इस पैसे को भविष्य में हमें वापस करना पड़ रहा है। कहने का मतलब सरकार के लिए एक देनदारी क्या हुई, यहां पर सृजित हुई। तो ऐसे इनकम को हम लोग ध्यान में रखेगा दोस्तों, क्या बोले, पूंजीगत, ठीक है, आय के नाम से जान, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उन स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें सरकार के ऊपर में एक देनदारी जो है वो सृजित होती है, ठीक है ना। जबकि राजस्व आय क्या बोला, कि एक वित्तीय वर्ष में उन स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें कोई भी देनदारियां सृजित नहीं होती। चलिए ऐसे और आगे देखते हैं क्या होता है। राजस्व आय की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त वो आय जिसे भविष्य में लौटाना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं राजस्व आय होता क्या है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आय जिसमें जिसमें कोई भी देनदारियां
कोई भी देनदारियां सृजित नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, ये जो आय है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आय होते हैं राजस्व आय के अंतर्गत में। एक तो सबसे पहले कर राजस्व, या जिसको बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा होता है गैर कर राजस्व, या जिसे बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत में दोनों प्रकार के टैक्स आते हैं, एक तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर और गैर प्रत्यक्ष कर। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, करों के माध्यम से जो सरकार को आय प्राप्त होती है उसको वो भविष्य में लौटाता नहीं है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में जैसे हम लोग लेते हैं आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, दूसरा संपत्ति कर, संपत्ति कर जिसको बोला जाता है प्रॉपर्टी टैक्स, निगम कर, निगम कर, या फिर कॉरपोरेट टैक्स, उपहार कर, उपहार 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 कर, या जैसे बोला जाता है गिफ्ट टैक्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं दोस्तों जो सीधा व्यक्ति पर लगता है या व्यक्ति के द्वारा अर्जित आय पर लगता है या तो उनकी संपत्ति पर लगता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर में वो टैक्स लग रहा है यदि वही व्यक्ति उस टैक्स को चुकाता है तो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। जैसे सपोज करो जिसकी जितनी ज्यादा इनकम रहेगी वो उतना ज्यादा टैक्स चुकाएगा। जैसे आप लोगों को पता है हर साल जो है गवर्नमेंट जब भी बजट लाता है तो एक टैक्स स्लैब वहां पर दिखलाया जाता है कि इतने से इतने यदि आए हैं तो इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा, यदि इससे ज्यादा आए हैं तो आपको इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां पर व्यक्ति को ये चीज पता है कि यदि मेरी संपत्ति या मेरा जो तनख्वाह है इससे ज्यादा है तो मुझको ये टैक्स चुकाना पड़ेगा या इतना ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक ऐसा टैक्स जो सीधे व्यक्ति पर लग रहा है या व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर लग रहा है या उसकी संपत्ति पर लग रहा है, ऐसे कर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। जबकि गैर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में ध्यान में रखिएगा जैसे जीएसटी, जीएसटी से पहले चलता था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अलावा एक्साइज, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, ठीक। उसके बाद में उससे भी पहले चलता था सेल टैक्स, ठीक। तो ये सब किसका प्रकार हुआ? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का प्रकार हुआ, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको गैर प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब किसका, मतलब एक ऐसा कर जो सीधे व्यक्ति के आय पर ना लगकर वस्तुओं या सेवाओं के माध्यम से आपसे वसूला जाता है, ठीक है ना। तो जीएसटी किस पर लगता है? जब जब वस्तुएं क्या होंगी, बिकेंगी, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। वैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेवा कर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा सर्विस टैक्स भी हो गया, ठीक। ये सभी कौन से प्रकार के कर है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो दोनों कर है, ठीक है, ये जो दोनों प्रकार के कर है वो किसका हिस्सा है? कर राजस्व का हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा ये क्या है? राजस्व आय का प्रकार है जिसे भविष्य में लौटाता या लौटाया नहीं जाता। जबकि गैर कर राजस्व की बात करें हम लोग, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये हेडिंग से समझ में आ रहा है कि एक ऐसी आय या एक ऐसा राजस्व, ठीक है, जो करों के माध्यम से ना होकर, ठीक है, किसी अन्य चीजों से प्राप्त किया जाए। इसके अंतर्गत में ध्यान में रखिएगा जैसे सरकार की खुद की कोई यहां पर कंपनी है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर को जितना ज्यादा मुनाफा होगा, किसका मुनाफा माना जाएगा? ये सरकार का मुनाफा माना जाएगा, ठीक। इसके अलावा जैसे क्या देख रहे हैं, सरकारी रेडियो, डाक, तार, ठीक है, बैंक इत्यादि को होने वाला प्रॉफिट। इसके अलावा सरकार को मिला कोई विदेशी संस्थानों के द्वारा अनुदान, ठीक है ना, तो ये सब
ठीक है ना, इसके ऊपर में टैक्स काटता है क्या सरकार? नहीं, खुद के कंपनी में क्या टैक्स काटेगा? ठीक बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब कंपनी को लाभ होगा, तो कहने का मतलब अल्टीमेटली किसको लाभ होगा? वो सरकार को ही लाभ होगा। इसे क्या बोला जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये कई बार एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है कि सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू ठीक है के स्रोतों को बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत में कंपनी का खुद का लाभ या लाभांश हो गया, रेडियो, डाक, तार, टकसाल, बैंक ठीक है ना, अनुदान इत्यादि से जो प्राप्त आय है उसको गैर कर राजस्व के अंतर्गत में गिना जाता है। जबकि वापस से हम लोग पिछले स्लाइड में जाते हैं, जबकि मैंने क्या बताया था, पूंजीगत आय क्या होता है? जिसको सरकार भविष्य में लौटा देता है। जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा लिया गया कर्जा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लिया गया कर्जा, या अन्य कहीं से भी लिया गया जो कर्ज है वो सरकार के पूंजीगत आय के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक बात है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था बात सार्वजनिक आय का, ठीक है। तो सार्वजनिक आय नीति के अंतर्गत में क्या होगा, सरकार को अपने आय बढ़ाने के लिए ठीक है ना प्रयास करना चाहिए, और वो भी कम से कम लोगों पर ठीक है, मध्यम वर्गीय या गरीब वर्गीय परिवार पर टैक्स का बोझ बढ़ाए। और इसके लिए ही सरकार ने अलग अलग प्रकार के कर दरों का निर्धारण किया है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीएसटी। जीएसटी में जो खुले सामान है जिसका उपयोग जो है आम जनता या गरीब जनता करती है, उस पर 0% टैक्स रखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो वस्तुएं जो हैं टैक्स रहित होकर सस्ते में लोगों तक पहुंचे। वैसे ही जो रोजमर्रा के जीवन की जरूरतें होती हैं, ऐसे वस्तुओं पर 5% ठीक है ना की दर से टैक्स लगाया जाता है। जबकि जो लग्जरियस चीजें होती है ठीक है, जिसका उपयोग जो है खासकर आम जनता या गरीब जनता नहीं करती, उस पर 28% के दर से टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आम जनता या गरीब जनता बहुत ही ज्यादा लग्जरियस 50 लाख 60 लाख की कार का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसमें ज्यादा कर वसूला जाए। लेकिन जो ऐसी वस्तुएं ठीक है जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है, उस पर टैक्स का दर जो है वो कम रखे। तो कहने का मतलब कम से कम करों का लोगों के ऊपर में मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब वर्गीय परिवार पर करों का बोझ बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा सरकार के आय सृजित करने की जो पद्धति होती है, जो नीति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक आय नीति। जबकि दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं राजकोषीय नीति के अंतर्गत में सार्वजनिक व्यय नीति। तो सार्वजनिक व्यय किसको बोलेंगे, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया समस्त जो खर्च है वो क्या कहला रहा है दोस्तों, सार्वजनिक व्यय नीति कहला रहा है। तो सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया समस्त जो खर्चा है वो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। अब ये खर्चे कई प्रकार से हो सकते हैं, चाहे ये खर्चे योजनाओं के रूप में हो ठीक है, चाहे सरकार के द्वारा अपना एक नया इंडस्ट्री लगाने के लिए हो ठीक है, या फिर गरीब कल्याण के लिए सरकार ने ठीक है लोगों को जो है एक राशि का भुगतान किया हो। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, किसान सम्मान निधि वगैरह हो गया ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, मनरेगा में किया गया खर्च हो गया। तो मतलब कहने का मतलब सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया समस्त जो खर्चा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वजनिक व्यय कहेंगे। तो सार्वजनिक व्यय नीति से क्या तात्पर्य, नीति मैंने क्या बोला कि अपनाया गया वो तरीका जिसमें एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, और यहां पर लक्ष्य क्या है ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति क्या हो ठीक हो, ज्यादातर बच्चे जो हैं उसको स्कूली शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सके, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदान की जा सके ठीक है ना, ताकि उनकी जिंदगी क्या होते जाए, बेहतर होते जाए ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक व्यय नीति। तो मतलब कहने का मतलब नीति में यहां पर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो विकास हो सके, सरकार के द्वारा किया गया ये सारा खर्च होता है ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये खर्च जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो राजस्व व्यय, एक को हम लोग बोलते हैं राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग राजस्व आय और पूंजीगत आय में पढ़े थे सेम ये वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च जिसमें सरकार को कोई आय प्राप्त ना हो, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं राजस्व व्यय। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है, लगभग क्या देख रहे हैं, पूरे देशवासियों को फ्री में जो है कोविड का वैक्सीनेशन करवाया गया, ठीक है ना, PHC के माध्यम से ही कोविड का वैक्सीनेशन करवाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम लोग क्या देख रहे हैं, लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, इसके बदले में आपसे कोई पैसे वसूलती है क्या? नहीं वसूल, ठीक है ना। आप लोगों को कोविड का फर्स्ट डोज लगा, सेकेंड डोज लगा, बूस्टर डोज लगा, सरकार ने कोई भी पैसा वसूला क्या? नहीं वसूला। कहने का मतलब सरकार के द्वारा किया गया वह खर्च जिसमें सरकार को कोई आय प्राप्त ना हो, मतलब एक प्रकार से सरकार के लिए क्या है, घाटा है। लोक कल्याण के लिए किया गया खर्च है जिससे सरकार को आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। तो जैसे आयुष्मान भारत योजना पर किया गया खर्च, मनरेगा पर किया गया खर्च, प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया खर्च, ये सभी किसका हिस्सा होगा? राजस्व व्यय का हिस्सा होगा, ठीक है दोस्तों। जबकि पूंजीगत व्यय क्या बोलेंगे, सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च जिससे सरकार को भविष्य में आय सृजित हो। सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च है जैसे भविष्य में सरकार को आय सृजित हो। जैसे सरकार ने कोई एक नई फैक्ट्री खोल दी, ठीक है, जैसे सरकार ने किसी दूसरे राज्य को, ठीक है ना, दूसरे राज्य को, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तेलंगाना को कोई क्या दिया, उधार दिया, तो वहां से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, या खुद का फैक्ट्री खोल दिया, या खुद की कोई संपत्ति ली, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंड किया, ताकि भविष्य में सरकार की आय और क्या होते जाए, बढ़ते जाए, क्योंकि यदि आय बढ़ेगी तो सरकार फिर भविष्य में और भी ज्यादा सशक्त रूप से सामने आएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों पर खर्चा वो कर सकेगा। कहने का मतलब सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च जिससे सरकार को भविष्य में आय क्या हो, सृजित हो, ऐसे व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पूंजीगत व्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो सरकार जब भी व्यय करता है तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करता है, वो भविष्य में अपने संपत्ति या आय को भी बढ़ाने की कोशिश करता है, और राजस्व व्यय करते हुए ज्यादातर लोगों के विकास के लिए भी काम वो करते जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका अंग है ध्यान में रखिएगा, सार्वजनिक व्यय नीति का अंग है। नेक्स्ट आते हैं सार्वजनिक ऋण नीति। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, ठीक है, सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य क्या होता है, जब सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, मतलब ठीक है, सरकार की आय जो है 100 रुपया है और व्यय जो है 120 रुपया है, ठीक है, तो क्या सरकार के पास में खर्च करने के लिए पैसा है क्या? नहीं, तो 20 रुपए की व्यवस्था कहां से करेगा, और वो व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि देखो सरकार की आय कम है, चूंकि आप सभी जानते हो कि भारत या फिर बात करें छत्तीसगढ़, ठीक है, हमेशा से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा देश जो है वो 200 साल तक लगभग अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और अंग्रेजों ने खास कोई डेवलपमेंट के काम हमारे यहां
नहीं किया। और जब हमें आजादी मिली तो काफी सारे आर्थिक सामाजिक समस्याओं का सामना जो है वो देश कर रहा था। तो हमारे यहां समस्याएं ज्यादा थी, ठीक है, और लोगों की आय या सरकार की आय क्या थी दोस्तों, कम थी। और यदि सरकार की आय कम थी और समस्याएं ज्यादा थी तो सरकार को समस्याओं को दूर करने के लिए काफी सारे जो पैसे हैं ऐसे वर्ग के लोगों के ऊपर में खर्च करना पड़ रहा था, ठीक है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, उन्हें उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य सुविधा, उन्हें रहने के लिए घर, भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि यदि सरकार व्यवस्था नहीं करेगा तो इनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी और ये कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि समस्याओं के चलते हमारे यहां सरकार की आय क्या है, कम है। क्योंकि यदि उचित शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, तो कल के डेट में जब वो बड़ा होगा और समाज में काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए पहुंचेगा तो उसको कोई भी काम नहीं मिलने वाला। रीजन क्या, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी उस समय क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि उचित शिक्षा उसको प्राप्त नहीं हुई और ना ही देश आगे बढ़ पाएगा, ठीक। तो समस्याएं भारत में ज्यादा थी और सरकार की आय कम थी, ठीक है, लेकिन समस्याओं को दूर करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी और इसी के कारण सरकार का खर्च क्या था दोस्तों, ज्यादा था। और यदि सरकार का खर्च ज्यादा हो और आय कम हो तो बाकी, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, आय यहां पर 100 रुपया है और खर्च यहां पर 120 रुपया है, तो 20 रुपये की व्यवस्था सरकार कहां से करे, और करे भी क्या, ना करे, ठीक है ना। यदि देखो, ठीक, सरकार जो है आय को ध्यान में रखते हुए खर्च करे, ठीक, तो उस समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा जो समाज में हम लोग को दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब विकासात्मक कार्यों में क्या देखने के लिए मिलेगा, धीमापन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मनरेगा मजदूरों के लिए, ठीक है, वो जो मनरेगा कार्यक्रम है उसको बंद करना पड़े। क्यों बंद करना पड़े, सरकार के पास में उतना इनकम ही नहीं है लेकिन खर्च क्या है, ज्यादा, ठीक। और यदि मनरेगा कार्यक्रम को बंद कर दिया गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार लोगों को कम से कम मिलता है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, प्रभावित होगी और अपने बच्चों को स्कूल या अन्य सुविधाएं वो नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब सरकार की आय भले ही कम हो लेकिन विकासात्मक कार्य को ध्यान में रखते हुए, लोक कल्याण के कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, ठीक है, विकास में धीमापन ना हो करके, ठीक है, जो उधार लेता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अब देखो, इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। फायदे क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसमें विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सरकारी योजनाओं हेतु, ठीक है ना, योजनाओं हेतु अधिक से अधिक धन की व्यवस्था हो सकेगी। जबकि नुकसान क्या है, सरकार पर करों का बोझ बढ़ेगा, ठीक है, और सरकार को अतिरिक्त पैसा या तो छापना पड़ेगा या तो विदेशी वित्तीय निकायों से उधार लेना पड़ेगा। और दोनों कंडीशन में जो है, यदि, ठीक है, विदेशों से हम लोग ज्यादा उधार लेकर आए हैं तो आर्थिक गुलामिता की स्थिति जो है वो निर्मित होगी। तीसरा, अतिरिक्त धन सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है तो वह मुद्रा स्फीति या फिर इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। तो ध्यान में रखिएगा, सार्वजनिक व्यय के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, सरकार की आय यहां पर कम है और व्यय ज्यादा है, ठीक है, व्यय ज्यादा है तो सरकार को अपने विकासात्मक कार्यों के लिए जो धन राशि दूसरे जगह से, ठीक है ना, उधार लेनी पड़ी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सार्वजनिक ऋण। अब ये ऋण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। पहला होता है आंतरिक ऋण, इंटरनल डेब्ट, और दूसरा होता है बाह्य ऋण, ठीक है, बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण के अंतर्गत में एक तो आरबीआई से लिया गया ऋण या फिर जनता से लिया गया ऋण। जनता को क्या बेचता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या सरकारी कोई
स्कीम वगैरह में पैसा जमा करने के लिए बोलता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, उसमें सरकार पहले आपसे पैसा जमा करवाता है और बिटिया के बड़े हो जाने के बाद में उस पैसे को दे दिया जाता है। तो जो पैसा आप लोग यहां पर जमा कर रहे हो वो पैसा जा कहां पे रहा है, सरकार के पास में जा रहा है। उस पैसे को सरकार क्या कर ले रहा है, उपयोग कर ले रहा है, और भविष्य में वो आपको क्या कर दे रहा है, लौटा दे रहा है। जैसे किसान विकास पत्र वगैरह हो गया, तो कहने का मतलब अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के माध्यम से वो जनता से, ठीक है, पैसा जो है वो प्राप्त करता है। इसे क्या बोला जाता है, आंतरिक ऋण। या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देश के अंदर के वित्तीय, अन्य वित्तीय निकायों से लिया गया ऋण, ठीक है। वही बाह्य ऋण के अंतर्गत में क्या आते हैं, विदेशों से लिया गया, जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया गया ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया ऋण, न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया गया ऋण, या किसी दूसरे देश के सरकार से लिया गया ऋण, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, बाह्य ऋण, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा, ठीक है, हमने क्या देखा राजकोषीय नीति के अंतर्गत में, सार्वजनिक आय नीति, सार्वजनिक व्यय नीति और सार्वजनिक ऋण नीति। अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऋण एक प्रकार से क्या है हमारे लिए, सरकार के लिए क्या है, घाटा, ठीक है ना, एक प्रकार से सरकार के लिए क्या है, घाटा। तो ये घाटा कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है राजस्व घाटा, ठीक है ना, राजस्व घाटा। ध्यान में रखना, जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व आय से बढ़ जाए, जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व आय से बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। अभी ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला था, राजस्व व्यय जब आप लोगों को समझा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च जिससे भविष्य में आय प्राप्त ना, ठीक है ना। और राजस्व आय किसको बोले थे, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अपने, ठीक है ना, उन सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिनको भविष्य में लौटाना नहीं पड़ता। जबकि पूंजीगत आय हम लोग क्या देखे थे, वो सरकार को उधार के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, सपोज कर लो कि मेरे पिताजी की आय जो है 10,000 है, तो मैं खर्च भी कितना करूंगा, खाने पीने के सामान पे 10,000 ही करूंगा, ठीक बात है कि नहीं, कि उससे ज्यादा करूंगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसे को चुकाने के लिए मैं पैसा कहां से लाऊंगा, उधार लूंगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हर महीना मैं उधार लेते जाऊंगा तो कभी उधार की पूर्ति हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ठीक है, यदि मैं पिज्जा पे खर्च करूं, बर्गर पे खर्च करूं, पैसा को खर्च करते जाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, घाटा है। यदि वही मैं क्या देख रहा हूं, पिज्जा बर्गर इत्यादि पर खर्च ना करके मैं उस पैसे को शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करूं, तो हो सकता है मेरा जो 1,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया वो भविष्य में जो है मुझे 2,000 रुपया देकर चले जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। कहने का मतलब राजस्व व्यय तो वो व्यय है जिससे सरकार को भविष्य में कोई भी आय प्राप्त नहीं होती, मतलब ये सरकार के द्वारा किया गया एक प्रकार का ऐसा खर्च है जो खाने पीने पर किया जा रहा है। और सरकार की वास्तविक आय कौन सी है, राजस्व आय है, क्योंकि पूंजीगत आय तो सरकार की ऑलरेडी उधारी होती। तो कहने का मतलब राजस्व आय जितना होगा ना उतना ही क्या करना चाहिए, अपने को खर्च करना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। और यदि मान लो कि राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है, कहने का मतलब यह शो करता है कि सरकार, ठीक है ना, सरकार, ध्यान में रखना मैंने क्या बोला कि राजस्व व्यय यदि ज्यादा हो और राजस्व आय यदि कम हो तो ये शो करता है सरकार उपभोग पर या फिर कंजम्पशन पर कितना अधिक खर्च कर रही है, ठीक बात है कि नहीं।
कितना अधिक खर्च कर रही है। ठीक, जैसे रेवेन्यू था मान लो 100 रुपया, लेकिन 110 रुपया क्या किया, खर्च किया, मतलब 10 रुपया में एक्स्ट्रा ऐसा खर्च कर रहा हूं जिससे मुझको आय प्राप्त नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो 10-10 रुपया करके हर साल बढ़ते जाएगा और कब वो 100 रुपया पहुंच जाएगा ये हम लोग को पता नहीं चलेगा। इससे ये पता चलता है कि सरकार को अपने खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए और एटलीस्ट जितनी सरकार की इनकम है उतने ही खाने पीने पर खर्च करना चाहिए, उतना ही कंजम्पशन पर खर्च करना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। नेक्स्ट आते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सरकार द्वारा ठीक है, सरकार द्वारा जो समस्त घाटा है वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, ये जिसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, कुल व्यय। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कुल व्यय या फिर टोटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार दो प्रकार का व्यय होता है, एक तो राजस्व व्यय, इसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है, दूसरा पूंजीगत व्यय, इसके लिए भी किसकी जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि पहले वाले में केवल हम लोग किसको शामिल किए थे, राजस्व व्यय को शामिल किए थे, क्योंकि उसमें हम लोग को यह पता लगाना था कि गैर जरूरी चीजों पर, ठीक है, या उपभोगकारी वस्तुओं पर सरकार जो है कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है। जबकि पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये सरकार के द्वारा किया गया एक प्रकार से क्या है, इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में उनको आय देगा। तो ध्यान में रखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। ये जो खर्च है हमें किससे करना है, राजस्व आय से खर्च करना है, क्योंकि पूंजीगत आय, ठीक है, पूंजीगत आय जो है वो उधार का पैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो ध्यान में रखना रेवेन्यू इनकम से ये दोनों प्रकार के खर्च होने चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग क्या देखे, सरकार की रेवेन्यू कितनी है, 100 रुपी। हम लोग क्या देखे थे, राजस्व हम लोग कितना लेके चले थे, 110 रुपया। हो सकता है सरकार को इन्वेस्ट करने के लिए कितना रुपया चाहिए, 30 रुपया और चाहिए, मतलब सरकार ने अपनी कोई कंपनी डाल दी जो भविष्य में फायदा देगी। कहने का मतलब सरकार क्या बोलता है, ठीक कि उधार लेना अच्छी बात है, लेकिन उधार लेकर उस पैसे को आप इन्वेस्ट तो करो, और इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको 10% 20% ज्यादा मुनाफा हो जाए, जैसे आपकी इनकम क्या हो भविष्य में बढ़े। जैसे 30 करोड़ रुपया सरकार का पूंजीगत व्यय, तो टोटल जो खर्च होगा वो कितना होगा, 140 करोड़ होगा, लेकिन इनकम कितना है, 100 करोड़। तो भैया ये 40 करोड़ कहां से लाएगा सरकार, ये सरकार का समस्त क्या है, घाटा है, और इतने ही ऋण की आवश्यकता पड़ती। कहने का मतलब राजकोषीय घाटा हमें क्या बताने वाला है दोस्तों, सरकार को एक्चुअल में उस वित्तीय वर्ष में कितने अधिक पैसे की जरूरत है। तो कितने पैसे की जरूरत होगी, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, जितना होगा उतने पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटा। ठीक, अभी एक दो और घाटा को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं जिसको, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज। अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जैसे पिछले इसमें जाते हैं, ठीक, सरकार को कितने एक्सेसिव पैसे की जरूरत थी, 40 करोड़ की, ठीक है कि नहीं, मतलब सरकार की इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, जिसके कारण सरकार ने लोन लिया। ठीक है, सरकार ने क्या किया, लोन लिया। अब लोन लिया है तो उस पैसे को चुकाना भी पड़ेगा, उस पैसे के ऊपर में ब्याज भी देना पड़ेगा, तो जब सरकार के पास में पैसे ही नहीं है तो ब्याज के लिए वो पैसा कहां से लाएगा। तो कहने का मतलब, ठीक है, जब वो ये खर्च कर रहा होगा तो उसको ये पता है कि उसके पास में उतनी इनकम नहीं है कि वो ब्याज जो है उस पैसे से चुका पाए, तो जब वो उधार लेता है ना, तो ब्याज चुकाने के लिए भी पहले से पैसा वो उधार लेकर रखे रहता है।
कहने का मतलब वास्तविक में ये 40 करोड़ की जरूरत नहीं थी, हो सकता है वास्तविक में कितनी करोड़ की जरूरत थी, 35 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन जो 5 करोड़ और जो है यहां पर ऐड किया गया था वो किसके लिए किया गया था, ब्याज चुकाने के लिए किया गया, क्योंकि ब्याज की व्यवस्था भी तो सरकार को करनी पहले से पड़ेगी है ना, क्योंकि सरकार की इनकम तो ऑलरेडी क्या है यहां पर कम, ठीक बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब ठीक है, प्राथमिक घाटा किसको बोलेंगे, जब फिस्कल डेफिसिट कितना था 40, और मैंने क्या बोला ब्याज चुकाने के लिए कितना यहां पर पैसा उसमें रखा गया था, तो 5 करोड़ मतलब 35, ठीक बात है कि नहीं। इससे क्या पता चलेगा कि वास्तविक में हमें कितने पैसे की, वास्तविक में जो प्राथमिक घाटा था या वास्तविक में कितने पैसे की जरूरत थी, तो 35 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन हम लोग को 40 करोड़ उधार लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में हमको क्या चुकाना है दोस्तों, ब्याज भी चुकाना है, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं, एक लास्ट घाटा और बाकी है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आएंगे। एक जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा, इफेक्टिव राजस्व घाटा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। अब ध्यान में रखना, मैंने आप लोगों को राजस्व घाटा बताया था, ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, मतलब जब सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो जाए तो जो घाटा निकल कर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। और राजस्व व्यय क्या होता है, सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया वह खर्च जिससे भविष्य में आय प्राप्त नहीं होती, जैसे भविष्य में सरकार को आय प्राप्त नहीं होती। अब जैसे सपोज करो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के दो प्रकार के व्यय हैं, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय, और केंद्र सरकार जो है अपने आय का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को दे देता है, ठीक बात है कि नहीं। तो जो राज्यों को दिया गया पैसा है वो किसका है? किसके अंदर में आता है, राजस्व व्यय के अंदर में आता है, क्योंकि राज्य सरकार वापस को केंद्र को पैसा नहीं भेजेंगे, ठीक है ना, राज्य सरकार वापस से केंद्र को पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है करों में एक हिस्सा जो है वो किसको दे देता है, राज्यों को दे देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब केंद्र के द्वारा किया गया वो खर्च जो है सरकार का वो राजस्व व्यय का हिस्सा है, क्योंकि केंद्र सरकार को भविष्य में उसमें कोई भी आय प्राप्त नहीं होगी। लेकिन राज्यों ने सपोज करो कि 50 करोड़ जो है राज्य को दे दी, तो केंद्र सरकार क्या मान रहे हैं कि भैया ये 50 करोड़ जो है राज्य को दे दिया मतलब खर्च है, इससे भविष्य में उसको आय प्राप्त होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन राज्यों ने क्या किया, उस पैसे को पूंजीगत कार्यों में लगा दिया, मतलब इस 50 करोड़ को पूंजीगत कार्यों में लगा दिया। और पूंजीगत व्यय क्या होता है, सरकार के द्वारा किया गया वह खर्च जिसमें सरकार को भविष्य में क्या होती है, आय होते रहती है, भविष्य में क्या होती है, सरकार को आय होती है। कहने का मतलब केंद्र तो ये मान के चल रहा है कि भैया ये पैसा को इस प्रकार से खर्च कर दिया होगा जिससे भविष्य में आय जनरेट नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली वो जो पैसा था वो सरकार के लिए क्या था, घाटा भरा सौदा था। लेकिन राज्य ने उसको पूंजीगत व्यय के रूप में कर दिया जैसे उसको आय होने लगी, तो क्या वास्तविक में वो राजस्व व्यय का हिस्सा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्व व्यय के द्वारा किया गया खर्च पे कोई भी सरकार को आय प्राप्त नहीं होती। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राज्य ने उस पैसे को कलेक्ट करके इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आय प्राप्त होने लगे, तो केंद्र तो वो अपने ऐसे खर्चे पे उस पैसे को दिखा रहा है जिससे इनकम नहीं हो रही और देश को घाटा हो रहा है, ये चीज केंद्र सरकार बता रहे, लेकिन वास्तविक में वो घाटा नहीं हो रहा था क्योंकि राज्यों ने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। कहने का मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, ये राजस्व घाटा में से
उन खर्चों को घटा दिया जाता है जिसे केंद्र से प्राप्त करने के पश्चात राज्य उस पैसे को निवेश कर देता है। तो इसे क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस पूरे पोर्शन में दोस्तों इतना ही हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। और ये थोड़ा सा पोर्शन जो है टफ होता है समझने में, इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब भारत में निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? तो ध्यान में रखिएगा, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वो वित्त मंत्रालय का काम है। नेक्स्ट आते हैं, फिस्कल नीति या फिर वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं। नहीं, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। सरकार को कौन कौन से माध्यम से कितना आय प्राप्त होगा, कौन कौन से क्षेत्र में कितना व्यय करना है, ठीक है, ये अपने को किसमें पता चलेगा दोस्तों? ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है? ठीक है, चालू खाते या करंट अकाउंट में आय के स्रोत है। ठीक, तो ध्यान में रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ इनकम इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल। तो मैंने क्या बोला, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करंट अकाउंट या चालू खाते में आय के स्रोत क्या। पहला निगम कर, सब पढ़ लेते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। अब ध्यान में रखिएगा, करंट अकाउंट और दूसरा किस प्रकार का होता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो देखो दो प्रकार के आय की यहां पर बात हो रही है। कैपिटल इनकम किसको बोलते हैं? ठीक है, जो सरकार को ऋणों के माध्यम से प्राप्त हो। जबकि करंट अकाउंट किसको बोलते हैं? जिसको भविष्य में वो किसी को लौटाता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त जो लाभ है वो जो है चालू खाते का हिस्सा होगा, ना कि कैपिटल खाते का। तो एक और दो इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, या जिसको क्या बोल रहे हैं? कैपिटल बजट। तो कैपिटल शब्द से मतलब ही क्या है? या तो उधार का पैसा, या तो किया गया वो खर्च जैसे सरकार को भविष्य में क्या प्राप्त हो, आय प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर किया गया व्यय, बिल्कुल, जैसे सरकार को भविष्य में इनकम जनरेट होगी। विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण जिसको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान ऋण या फिर अग्रिम। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तीनों जो है उसे हम लोग पूंजीगत बजट में शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय, तो जो सरकार जो है ना सर्वाधिक, यदि आय की हम लोग बात करते हैं और व्यय की जो हम लोग बात करते हैं, तो आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? उधार। वर्तमान में आय का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है? उधार है। उसके बाद में जो सरकार को वर्तमान में सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त होता है वो होता है जीएसटी से। वही सरकार के द्वारा किया गया जो समस्त खर्च जो है, ठीक है, तो उधार लिए हैं तो ब्याज चुकाने में जाएगा। दूसरा, केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा दिया जाता है उस पर खर्च किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आय सरकार को उधार से प्राप्त होता है, और सरकार सबसे ज्यादा, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा जो ठीक है खर्च करती है वो भी किसमें करती है? ब्याज चुकाने में करती है। और दूसरा, केंद्र जो है राज्यों को जो अनुदान दे देते हैं उसमें होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि चालू खाते में सबसे बड़ा जो
खर्च है वो क्या है, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट आते हैं, संघ बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। अब मैंने आप लोग को बताया था राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व आय। जैसे ये पता चलता है कि सरकार को ठीक है, सरकार को अपने शासन संबंधी काम चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता, और जितने धन की आवश्यकता होगी उतना वो ऋण लेगा। चलिए पढ़ते हैं, बजट घाटा आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर, गलत, मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा किए गए ऋणदान में हुई निवल वृद्धि। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होगा, जितना भी जो समस्त घाटा है आंतरिक तथा बाह्य, जहां से भी हम लोग उधार ले रहे हैं, उन सभी का योग जो है वो क्या बताएगा, राजकोषीय घाटा बताएगा, क्योंकि सरकार को अपने शासन संबंधी काम को संचालित करने के लिए उतने एक्स्ट्रा पैसे की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है। तो जैसे मैंने क्या बताया, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस जो दूसरे देशों को हम लोग ऋण दे के रखे हुए हैं वो ऋणों की प्राप्तियां, और तीसरा विनिवेश से प्राप्तियां, ठीक है, ये क्या होगा, राजकोषीय घाटे का अंग होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वर्तमान में क्या है, उधार। नेक्स्ट आते हैं, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, मैंने आप लोग को बताया था ये किसका फॉर्मूला है, प्राथमिक घाटे का, प्राइमरी डेफिसिट का। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, ठीक, राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है, कि सरकार जो है उपभोग के लिए कितना अधिक खर्च जो है कर रही। चलिए इसको ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, बिल्कुल गलत, ठीक है, वो उपभोग के लिए कितना ज्यादा खर्च करती है ये बताता है कौन, अपना राजस्व घाटा। भारत की सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या फिर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त करते हैं, इसको भी हमने देखा था। नेक्स्ट आते हैं, हिनार्थ प्रबंधन। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग या हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है, सरकार को अपने घाटों से बचने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार की आय क्या है, कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाए, तो एक्स्ट्रा जैसे ही वो घाटे का बजट यहां पर होता था ना, तो सरकार जो है अलग अलग स्रोतों से, ठीक है, ऋण लेने की कोशिश करने लगती थी, इसी को ही क्या बोला जाता है, हिनार्थ प्रबंधन बोला जाता है, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रा स्फीति होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि ऋण लेंगे या नया नोट छापेंगे और वो नया नोट जब मार्केट में आएगा तो इन्फ्लेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे मनी सप्लाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और मनी सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होता है, ठीक है, महंगाई क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, कहने का मतलब, ठीक है, ये दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, कि यदि एक्सेसिव नोट जो है मार्केट में आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। नेक्स्ट आते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व तो एवं बजट प्रबंधन अधिनियम या जिसे बोलते हैं FRBM एक्ट, ठीक है, क्योंकि वित्तीय अनुशासन को प्राप्त करने या स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये जो FRBM एक्ट लाया गया था वो लाया गया था 2003, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा,
ठीक है, कि कैसे जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार जो है एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास को वो महत्व देते हुए खर्च करती है और संपत्तियों का सृजन करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही और भी आगे के टॉपिक के लिए बने रहिए कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।